हमारे जेके खान चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन है वीवो का Y81। इसका फोल्डर टूट गया है तो आज मैं इसका फोल्डर लगाने वाले हैं। वायरिंग आ रही है तो हम इसको चलते हैं, इसको मैं खोल लेता हूँ फटाफट। इसको खोल दीजिएगा, फिर इसको रखिएगा ऐसे। तो गाइस देख सकते हैं हमने मोबाइल का ढक्कन खोल दिया है और मैं इसकी बैटरी निकाल लेता हूँ। और ये है जुगाड़ का काम, मैं इसी जुगाड़ से काम कर लेता हूँ। हम इतने पैसे नहीं लगा पाते भैया, गरीब मिस्त्री है। और ये देख सकते हैं मेरी बैटरी एम्पियर लेने लगी वहाँ पे और मेरी बैटरी चार्ज होने लगी है। तब तक के मैं इसका फोल्डर निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये हमने फोल्डर के नीचे पेपर लगा के फोल्डर को उखाड़ लेता हूँ अभी। और ये मेरा फोल्डर उखड़ रहा है बहुत आसानी से। और ये हमने फोल्डर निकाल लिया और मैं इसको क्या करने वाला हूँ अभी, ये जो साइड में है इसको मैं साफ़ कर लूँगा। जो गुल्लू लगा है, जो सुलेशन लगा है, उसको मैं साफ़ कर दूँगा, इसलिए कि क्योंकि मेरा फोल्डर जो है तो बहुत फिटिंग का बैठे, अगर कचड़ा रहेगा तो फिटिंग का नहीं बैठेगा। तो गाइस देख सकते हैं इसको मैं क्लीन कर दिया हूँ, बड़ा परफेक्ट हो गया। अब ये जाली इसमें तो है नहीं, तो जाली हम एक स्पीकर की जो रिंगर होता है कान वाला, उसकी मैं जाली उखाड़ के फिर इस पर लगा देता हूँ। ये थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको काट दूँगा। तो इस जाली को मैं ऐसे लगा रहा हूँ ताकि, मैं लगा दिया जाली को, वैसे उसमें कचरा जाएगा, गर्दा जाएगा, तो इसलिए मैं जाली में सुलेशन लगा के थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ। मैं इस जाली को ऐसे चिपका दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत लोग तो पुराने हैं, वो उनको तो पता हर चीज़, लेकिन मैं जो नए आदमी हैं जिनको पता नहीं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे लगाया जाए फोल्डर। कैमरे को मैं साफ कर देता हूँ। साफ कर दिया हूँ। अब ये है फोल्डर, इसकी मैं ये पन्नी निकाल देता हूँ। लाख है कीमत जो रही हूँ, देख सकते हैं मेरा एकदम फिट बैठ गया, एकदम बराबर बैठ गया है। ठीक, अब मैं इसको पत्ता लगा के फिर से मैं एक बार चेक करके लगाता हूँ, वरना अगर कोई फाल रहेगी तो उसको उखाड़ने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं, बैटरी भी मेरी चार्ज हो गई है, बैटरी में निकाल लिया, सब जुगाड़ से काम होता है यहाँ, सब जुगाड़ों वाले वीडियो मिलेंगे, हर वीडियो में थोड़ा बड़ा जुगाड़ होगा। ये देख सकते हैं ऑन हो गया है, वीवो लिख के आ रहा है। फिर मैं इसको भी टच चला के देखता हूँ, अगर से मैं देख रहा हूँ लाइट वाइट चला के सब ठीक है। सब कुछ चल रहा है अच्छी तरीके से, अब इसको मैं चिपका दूंगा। तो गाइस देख सकते हैं इसमें टेप नहीं लगा है, तो मैं इसको लगा देता हूँ, क्योंकि जो इसका ग्लू लगाया जाता है उस ग्लू में बहुत ज़्यादा केमिकल हार्ड होता है, उससे ये उछल सकता है पत्ता, इसलिए मैं इसको पूरे तरीके से खींच के मैं लगा देता हूँ टेप, ताकि ये चिपका रहेगा तो इस साइड में जगह रहेगी, तो सुलेशन जो लगेगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो गाइस मैं सुलेशन लगा लिया हूँ खूब अच्छे से साइड में, अब मैं इसको मैं लगा देता हूँ। इस तरीके से पकड़िएगा, फिर ऐसे आराम से रखिएगा और फिर इस तरफ पत्ता को खींच के इस तरफ ऐसे बैठा दीजिएगा, खूब अच्छे से लग जाएगा।
बराबर लग गया है। अब इस तरह का गिलास लेना है, फिर गिलास लगा देना है, गिलास उस पर लगेगा। ओप्पो A37 का मैं इसको गिलास को ऐसे पन्नी उतार के इसको साथ में ही लगा देता हूँ, फिर इस पर मैं टेप लगा दूँगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरा ग्लास लग चुका है, फिर मैं इस पर टेप लगाने वाला हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैं टेप लगा दिया हूँ, और इसको टेप को 6-7 घंटे के बाद छुड़ाएंगे ताकि अच्छे से मोबाइल का फोल्डर चिपक जाए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के तरफ, और मेरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मेरा वीडियो पूरा देखें प्लीज़, जिस बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। और फिर इसी तरीका के वीडियो आएंगे तो देखना।